अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TKS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर टीचर मिस हरम रहीम फ्रॉम TKS सीनियर ब्रांच। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अटेंडेंस एंड स्विच ऑन योर वीडियोस। सर सब अपनी वीडियोस ऑन कर लें ताकि मैं सबको देख सकूं। यस, फहद इज़ प्रेजेंट, हारिस सफदर, मोहसिन, मुजाम सेठी एंड रेहान गोहर। ओके रेहान गोहर, आई थिंक सो यू आर ऑफ क्लास फाइव। आप क्लास फाइव का लिंक ज्वाइन करें। बच्चे स्विच ऑन योर वीडियोज़, आई वॉन्ट टू सी यू। यस मुजाम सेठी, हारिस सफदर, यस फहद, बच्चे अपनी वीडियोज़ ऑन करें। यस बुक शुल बी इन योर हैंड, यस गुड। ओके मोहसिन, बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें। ओके बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। आवर प्रीवियस टॉपिक इज पीपल एंड कल्चर। नाउ हु विल टेल मी अबाउट द पीपल एंड कल्चर? रेज योर हैंड हु वांट्स टू गिव मी आंसर। यस बच्चे, एनीवन, एनीवन? ओके ओके एनीवन, ओके आई विल आस्क यू। ओके यस मुजाम सेठी, अनम्यूट योर माइक। यस मुजाम सेठी, ओके फहद, फहद योर माइक इज अनम्यूटेड। सो फहद टेल मी अबाउट द पीपल एंड कल्चर, पीपल एंड कल्चर ऑफ द अर्लीस्ट पीपल ऑफ इंडस वैली। यस फहद, फहद कैन यू हेयर मी? बच्चे आपका माइक ऑन है, आप बोलें। कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके ओके हफ्सा अमना इज़ प्रेजेंट। ओके 1 2 3 4 5 इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, गुड। ओके यस हफ्सा अमना, अनम्यूट योर माइक, आई वॉन्ट टू आस्क यू द क्वेश्चन। यस आशिर, बच्चे रेज योर हैंड जो विलिंगली आंसर देना चाहते हैं। मतलब कोई इशू नहीं, इफ़ यू हैव नो ओनली 2-3 पॉइंट्स ये भी इनफ है, ठीक है। डिटेल में नहीं, जस्ट मुझे 1-2 पॉइंट्स ही चाहिए, इनफ है। हु विल गिव मी द आंसर? ओके यस हफ्सा अमना, अनम्यूट योर माइक। यस जी हफ्सा उमर, यस हफ्सा उमर, बच्चे हफ्सा उमर आपका माइक अनम्यूट हो गया है, मुझे आंसर करें। यस यस पीपल एंड कल्चर, ठीक है, इंडस वैली के लोगों के। यस 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 हफ्सा बोले बच्चे। जी हफ्सा बच्चे आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही। जी हफ्सा, जी हफ्सा कोई इशू है? हफ्सा उमर आपका माइक ऑन है। हफ्सा जी बोले बच्चे। ड्रेविडियंस जी, बिल्कुल आगे ड्रेविडियंस। कहाँ ये, कहाँ पर थे ये, कौन से एरिया के? ओके ओके फाइन, इट्स ओके, ओके फाइन, ओके फाइन। चले अफसा उमर, मैं अगेन आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे, आप लोगों से अगेन मैं आप लोगों से पूछूंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक तब स्टार्ट करेंगे कि आपका प्रीवियस टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फाइन, अगेन फ्यू पॉइंट्स, और मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स में बताऊँगी, जस्ट यू हैव टू कैप अ फ्यू पॉइंट्स, तो आपके लिए इतना इनफ होगा। पीपल एंड कल्चर, ये कहाँ कहाँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्लीस्ट पीपल जो है उनको
अर्लीस्ट पीपल कहाँ के, इंडस वैली के, ठीक है। जब मैं अर्लीस्ट पीपल से बोल रही हूँ तो क्योंकि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं इसी का ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो अर्लीस्ट पीपल जो है वो कहाँ है, उनको हम क्या कहते हैं, ड्रेविडियंस कहते हैं। और ये ड्रेविडियंस कहाँ है, ये आजकल यानी आजकल जो बलोचिस्तान हमारा प्रोवेंस है ना, दैट इन बलोचिस्तान प्रोवेंस में जो ब्राह्मी पीपल्स हैं उनको भी ड्रेविडियंस कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम इंडस वैली के जो लोग जो कि बलोचिस्तान में उन्होंने स्टे किया था और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए किया था, उनका ड्यूरेशन ज़्यादा जो था पंजाब एंड सिंध साइड का था, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटीजी, लेकिन उन्होंने कुछ जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेटलर्स भी आते हैं उन्होंने जो है कहाँ पर स्टे किया था, बलोचिस्तान में किया था, और उनको ड्रेविडियंस कहा जाता है। और आजकल जो बलोचिस्तान में लोग रह रहे हैं ब्राह्मी पीपल्स, ठीक है, उनको कहा जाता है कि वो लोग भी जो बलोचिस्तान में हैं वो भी ड्रेविडियंस हैं, उनको भी इस नाम से पुकारा जाता है। और आर्कियोलॉजिस्ट आर अमेज्ड टू नो, आर्कियोलॉजिस्ट हैं बहुत ज़्यादा अमेज हैं, ठीक है, किस बारे में, इस बारे में कि वो इंडस वैली के जो लोग थे उन्होंने बहुत वेल प्लान जो थे टाउन्स और हाउसेस बनाए थे, वेल प्लान। आप सब जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, आप लोगों को ये पिक्चर नज़र आ रही है, मोहनजोदड़ो वॉज वेल प्लान टाउन एंड द मेन एक्टिविटी वॉज ट्रेडिंग, ठीक है, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि उस टाइम पर बाथ टब्स बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर हाउसेज स्टेयर्स वगैरह बनाई हुई हैं, जो है काम वगैरह हो रहा है, मॉस्क वगैरह है। तो उस टाइम पर जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो की बात करें, मतलब बहुत पुरानी, तब इतना मॉडर्नाइजेशन जो थी नहीं थी, इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग जो है इस तरह नहीं जो है अपना लाइफ स्टाइल जो है स्पेंड करते थे, बट इंडस वैली के लोगों ने ऐसा अपना लाइफ स्टाइल जो था वो रखा था, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट अमेज थे, वो हैरान थे कि ये कैसे है। तो हमारे पास किस बात पे अमेजिंग थी कि उनके वो जो थे क्या थे, वेल प्लान उनके हाउसेस, स्ट्रीट थी, ड्रेनेज सिस्टम था, बाथ टब्स थे वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो है टैक्सेस इम्पोज थे, यानी वहाँ पर टैक्स वगैरह भी दिए जाते थे, जो कि आजकल का सिस्टम है, हम लोग भी टैक्सेस देते हैं ना गवर्नमेंट को, इसी तरह उस टाइम पर वहाँ पर उनसे टैक्स वगैरह लिए जाते थे। और इवन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज की बात आती है तो वो कहते हैं कि अभी तक वो बिल्कुल भी नोन नहीं है, यानी वो आज तक कोई नहीं जान सका, वो ना किसी एंशियंट पुरानी ज़ुबान से मिलती है किसी इजिप्टियन या किसी से, और ना आजकल की किसी मॉडर्न लैंग्वेज से, तो उसको आज तक कोई रीड नहीं कर सका कि वो जो राइटिंग उन्होंने की हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है और वो कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। फाइन, नाउ रेज योर हैंड हु विल टेल मी अबाउट द पीपल एंड कल्चर। अब मुझे बताएं कि कौन मुझे 1-2 पॉइंट इनफ है, ठीक है, मुझे कौन बताएगा। यस रिफत अंजम, न्यू वन, ओके, यस हफ्सा, अमना, मुजैम सेठी, मोहसिन, खतीजा, बच्चे हाशिर, किसी को भी आंसर नहीं। यस हाशिर, अनम्यूट योर माइक, हाशिर बच्चे अपना माइक को अनम्यूट करें एंड टेल मी अबाउट द पीपल एंड कल्चर। हाशिर कैन यू हेयर मी, ओके, यस फहद, हफ्सा उमर, हारिस सफदर, यस हारिस सफदर, अनम्यूट योर माइक एंड गिव मी द आंसर। हारिस सफदर बच्चे अपना माइक को अनम्यूट करें, पीपल एंड कल्चर इसके बारे में मुझे बताएं। जी हारिस सफदर मैं सुन रही हूँ, आप बोलें। हारिस सफदर अच्छा, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, अब आप बोलिए मुझे आवाज़ आएगी। yes. जी जी यस हारिस अफदर, मुझे जस्ट 1 या 2 पॉइंट मुझे बताएं आप पीपल एंड कल्चर के बारे में जो मैंने अभी अगेन समझाया है। हारिस ओके okay, going towards the next topic, and today's topic is how it ended. अब ये end कैसे हुई थी। Now, can you see this picture?
ये पिक्चर हमारे पास मोहनजोदड़ो की जो है लोकेशन सेंड की हुई है, जो कि सिंध में है, ठीक है। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर जो कि यहाँ आपको एनिमेटेड फॉर्म में इस पेज पर दिया हुआ था, अब यहाँ पर प्रॉपर आपको जो है उसका एक लोकेशन बताई हुई है सिंध में, ठीक है, मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की ये बताई हुई है कि कैसे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट सिस्टम ये डेवलप किए थे। ये आपको द ग्रेट बाद बताया हुआ है। कैन यू सी दिस पिक्चर, लुक एट योर ऑन वर्क एंड द रियल्स वर डिस्कवर्ड इन 1920, ठीक है। वो सब कहाँ पर डिस्कवर हुए थे, 1922 में। ये आपको मोहनजोदड़ो की क्लूज बताएं, मैंने आपको बताया था दैट देयर वाज अ ग्रेट बाथटब्स, ठीक है। आपको यहाँ प्रीवियस उसमें भी बाथटब्स बताए हुए हैं, और ये बड़े बड़े जो है टब्स वगैरह होते थे जिसमें वो बाथ वगैरह लेते थे, जिनको आजकल हम अपने उसमें हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं, ठीक है ना। हाउ इज एंडेड, वो कहते हैं हमें बता दे लोकेशन, मैंने आपको बता दी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पीपल एंड द कल्चर। ना हाउ इज एंडेड, यानी कि इंडस वैली के पीपल जो हैं, क्यों ये सिविलाइजेशन फिनिश हो गई, कैसे हो गई, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। In addition to the writing, the order mastery about the Indus Valley is that no one knows why it ended without any trace or without any merging into another civilization. अब वो कह रहे हैं कि किसी को, ठीक है, ये चीज़ नहीं पता कि ऐसा, ये राज किसी को आज तक नहीं पता चला कि ऐसी कौन सी वजह है या ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बिल्कुल निशानात ही ख़त्म हो गए, यानी ये सिविलाइजेशन रही नहीं है, ऐसी कौन सी बात है। इन एडिशन टू राइटिंग अदर मैस्ट्री, हमारे पास है ओके राइट ऑन द मीनिंग दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको हम राज भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से जो है ये इंडस वैली की जो पीपल हैं या ये सिविलाइजेशन है ये फिनिश हो गई, तो वो राज आज तक किसी को पता नहीं चला कि ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इंडस वैली के लोग जो हैं वो क्या हो गए, बिल्कुल फिनिश हो गए। नो वाइज एंडेड विदाउट एनी ट्रेस, ट्रेस इस कहते हैं सुराख, खोज, और विदाउट मार्जिंग इनटू अनदर सिविलाइजेशन, वो ख़त्म हो गए, यानी ना वो, अब राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ट्रेस, फॉलो बाई द फुट स्टेप, सुराख या खोज, एंड मर्जिंग कंबाइन, मिलाना, ठीक है, मर्ज हो जाना। तो कह रहे हैं ये ऐसी सिविलाइजेशन है, जैसे कि हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास उसमें सब एक के बाद दूसरे आ जाते हैं, वो दूसरे कहीं और ट्रैवल कर लेते हैं, किसी और जगह पर जाकर अपना लाइफस्टाइल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, सेटलमेंट हो जाते हैं। बट वो कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि बिल्कुल फिनिश हो गई एकदम से, वो बिल्कुल फिनिश हो गई वो, और फिनिश ऐसे नहीं हुई कि बंदा कहे कहीं और मूव कर लिया, वो कह रहे हैं वो कहीं और उन्होंने मूव भी नहीं किया, वो कहते व्हाट इज़ द रीज़न, ये रीज़न भी आज तक किसी को पता नहीं चली कि वो गए तो कहाँ गए। तो इनकी सिविलाइजेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, ना उन वो जो है कहीं और, उन्होंने किसी और सिविलाइजेशन में उन्होंने मूव भी नहीं किया, तो वो कहते हैं ऐसी क्या बात है कि एकदम से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, और जिसका कोई आज तक जो है हमें कोई निशान भी नहीं मिला, कोई सुराग नहीं है, कोई हमें एविडेंस नहीं है, ऐसा कि ऐसी क्या बात थी कि अचानक ख़त्म हो गए। सम हिस्टोरियंस, ये हिस्टोरियंस हिस्ट्री से निकला है, और जो है वो लोग जो है वो हिस्टोरियंस हम कहते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, नॉलेज देते हैं, वो हिस्टोरियंस होते हैं। सजेस्ट दैट द इन्वेडिंग आर्यंस किल्ड देम, अब हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस चैप्टर का क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द आर्यंस, तो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर कौन से लोग आए थे, यहाँ पर आर्यंस आए थे। तो वो कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग, ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये श्योर नहीं है, वो कह रहे हैं कि शायद आर्यंस आए थे, उन्होंने इनकी जो है ये इंडस वैली के लोगों को शायद किल कर दिया, ठीक है। इन्वेडिंग का मतलब है लश्करकशी या हमला करना, तो वो कह रहे हैं शायद इनके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर इंडस वैली के पीपलों के बाद, पीपल्स के बाद क्या हुआ था, कौन आए थे, आर्यंस आए थे। तो वो कहते शायद आर्यंस ने इनको किल कर दिया, इन पर हमला कर दिया, इनको ख़त्म कर दिया, लेकिन अब जो है राइट डाउन द मीनिंग, इन्वेडिंग लश्करकशी हमला करना। सो अब आर्यंस आए थे, लेकिन ये जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं, अगेन मैं बता रही हूँ सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो श्योर नहीं है, ये सारी बातें श्योरिटी से नहीं बता रही। हाउ इज एंडेड, तो ये क्वेश्चन ही रह गया है, एक लैंग्वेज
ठीक है, इंडस वैली के बारे में टू क्वेश्चन जो है वो अनआंसर है। एक लैंग्वेज कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो उनकी राइटिंग है उनको आज तक तो कोई स्टडी नहीं कर सका, एंड द सेकंड इज हाउ इज एंडेड। ये दो क्वेश्चन रह गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस इसका आंसर आज तक फाइंड नहीं कर सके, उनको कोई रीजन क्लूज वगैरह आज तक नहीं मिली। ठीक है, तो ये जो सब वो बता रहे हैं हाउ इज एंडेड, तो ये जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं, हर कोई अपनी थॉट्स और व्यूज जो है वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो क्या समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब आर्यांस भी नहीं आए, तो वो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आर्यांस आए होंगे, उन्होंने इनको किल्ड कर दिया होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आर्यांस आए हैं तो उसके बाद एक और भी सवाल होता है, वो क्या क्वेश्चन है, एंड अ मास ग्रेव कंटेनिंग स्केलेटन वाज डिस्कवर एट वन ऑफ द साइट्स नियर द मोहनजोदड़ो। मास ग्रेव, ग्रेव कहते हैं मास, हम मटेरियल के लिए, ठीक है, सॉलिड चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वेट के लिए, तो ये मास ग्रेव, ग्रेव हम कहते हैं कब्र हमारे पास आ जाती है, दफन वगैरह आ जाती है, तो ग्रेव हमारे पास क्या है, प्लेस वे अ पर्सन और अ थिंग इज बरिड, ठीक है, दफन हो। तो वो अब ये कह रहे हैं कि शायद राइट ऑन द मीनिंग ऑफ ग्रेव, आई एम वेटिंग फॉर यू, राइट ऑन द मीनिंग ग्रेव, प्लेस वे अ पर्सन और अ थिंग इज बरिड, दफन, ठीक है, दफन तो समझते हैं ना, बरिड जिसको हम कहते हैं, ज़मीन खोदी हुई हो उसके अंदर हमें स्केलेटन मिल जाए, तो वो जो हम उसको खोदे उसके अंदर स्केलेटन्स या कोई भी चीज़ मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मास ग्रेव। ओके, अ मास ग्रेव कंटेनिंग स्केलेटन, स्केलेटन्स पता है आपको, ढांचे कहते हैं, मतलब बोन्स जो होती हैं, जब हम जब कोई बंदा मर जाता है उसको दफना देते हैं तो ऑफकोर्स ये मीट वगैरह जो गोश मसल्स वगैरह होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं और हड्डियाँ रह जाती हैं, वो जो हड्डियाँ होती हैं द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, ठीक है, ये स्केलेटन उसको हम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ स्केलेटन जो है वो नियर मोहनजोदड़ो उनको मिले हैं, ठीक है, उन्होंने जब डिगिंग की है तो उनको क्या मिला है, मोहनजोदड़ो की साइड से उनको कुछ स्केलेटन्स भी मिले हैं, तो शायद इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर जो है आर्यांस आए थे और उन्होंने इनको क्या किया था, किल्ड कर दिया था। विच सजेस्ट दिस एंड, और वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस वजह से शायद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। सम सजेस्ट दैट अ डिजीज विप्ड आउट ऑफ आउट द सिविलाइजेशन। अब कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि शायद कोई एक वबा आई थी, बीमारी आई थी, ठीक है, और जिसकी वजह से सारे के सारे क्या हो गए, मर गए। क्लीन मिटा देना, मिटा डालना, मिटा मिट जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना, ठीक है, एक क्लीन तो साफ़ होता है, साफ़ में भी ऑफ कोर्स हम वो चीज़ साफ़ कर लेते हैं, तो यही मतलब हुआ कि ऐसी कोई बीमारी आई थी जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या हुए थे, ख़त्म हो गए, जैसे आजकल हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स वगैरह हो रही थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, बट इन द बिगनिंग आप लोगों ने देखा, तो वो कहते हैं इसी तरह इंडस वैली में भी क्या आया था, इस तरह की कोई डिजीज़ आई होगी जिसने इस इन लोगों को क्या कर दिया होगा, बिल्कुल फिनिश कर दिया, शायद इस वजह से इनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। एंड येट अदर थिंग्स, लेकिन और जो कुछ और जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं दैट द पीपल मूव अवे फ्राम दिस प्लेस फॉर अदर रीज़न, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि शायद कुछ और ऐसी रीज़न हो जिसकी वजह से इंडस वैली के पीपल जो हैं वो क्या किया, उन्होंने मूव कर लिया हो यहाँ से, लेकिन ऑफकोर्स ये रीज़न भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने कहीं और जाकर अपनी सिविलाइजेशन जो है स्टार्ट की होती तो हमें वो जगह उन जगहों का पता होता कि अभी यहाँ से मूव कर लिया है और अभी इन एरियाज़ में जाके कर रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है, वो तो अब हम यही कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गई, यानी उसका कोई नामो निशान ही नहीं रहा, सिवाय कुछ के जो फर्स्ट सेटलर्स थे जो कि सिर्फ बलूचिस्तान में थे, जो कि अब ब्रावी पीपल्स के नाम से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो ह्यूज जो लाइफस्टाइल था, सिविलाइजेशन थी, वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उसकी रीज़न हमें बिल्कुल नहीं पता। हाउएवर वन थिंग इज सर्टेन, द सिविलाइजेशन वर नेवर रिवाइव, वो कहते हैं चाहे जो भी रीज़न है बट एक बात तो पक्की है और वो ये बात है कि सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो अब बिल्कुल नहीं रही, वो दोबारा बिल्कुल शुरू नहीं हुई, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, रिवाइव ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, दोबारा शुरू करना, ठीक है, वो कहते हैं रीज़न चाहे जो भी है कि एंड जिस वजह से भी हुई है, पर ये बात तो 100% श्योर है कि जो है यहाँ के पीपल जो हैं वो दोबारा जो है इनकी लाइफस्टाइल दोबारा स्टार्ट कहीं पर भी नहीं हुआ, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक बच्चे,
anyone who wants to give ask any question इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी का क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ ले, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है बच्चे आप अगेन पूछ सकते हो। जब मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ तो फिर मुझे आंसर चाहिए होता है। मैं आपके लिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड टोटली डीप एंड इन उर्दू भी बोल रही हूँ ताकि जिनको इशू हो रहा है तो वो अच्छे से समझ सकें। नो वन, ओके फाइन बच्चे, इंशाल्लाह आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, रीड दिस टू पेजेस, पेज नंबर 6 एंड 7 आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।